अगर आप देखो पायल मलिक और अरमान मलिक और कृतिका मलिक, इन तीनों का जो एक ट्रायंगल है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको नॉर्मली सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ये जो चीजें सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना चाहते हैं वो हेल्दी नहीं है। अब यहाँ पे लाइव फीड में पायल मलिक ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि पायल और अरमान मलिक और कृतिका एक सोचे समझे स्क्रिप्ट को लेकर चल रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, लेटेस्ट अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर एक्स पर फॉलो भी कर लो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पायल मलिक अरमान मलिक के बारे में। आपको पता है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल इनका जो है ना एक ट्राइंगल है, और इसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना वो सामने रखी थी, बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत ऐसे ऐसे जो है ना वो चीजें थी, काफी शॉकिंग चीजें थी, उनमें तो मैं नहीं जाऊंगी। पर पायल का यहाँ पे ये कहना है कि इन्होंने 7 साल पहले जब शादी की उस वक्त जो है ना सॉरी जब शादी की तो उस वक्त जो है इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तो मैंने कहा कि मुझे पता है कि क्या गुड न्यूज है, तुम लोगों ने शादी कर ली। तो जिस तरह से पायल ये बात बता रही है, उसके बाद फिर पायल एकदम से रोने लगती है, फिर अरमान आके जो है उनको कंसोल करता है, कहते हैं कि बस अब तो खुश होना, अब तो हम खुश है ना, तो वो चीज जो है ना वो बहुत ही अजीब है। बिकॉज पायल एक जगह ट्रेनिंग कर रही है कृतिका के जैसे, दोनों एक जैसे कपड़े पहनती है, एक जगह दोनों साथ 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 घूम रही है बेस्टीज की तरह, मतलब बिल्कुल बेस्टीज की तरह। अब आप एक बात बताओ कि बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, अगर फैमिली में से भी कोई ऐसा कुछ कर ले तो आप उसकी शक्ल भी नहीं देखते हो, तो आप कैसे, आपकी कोई बेस्टी अगर थी भी तो वापस से आप कैसे बेस्टी बन गई, कि और आपके इतनी करीब हो गई कि अब आप दोनों एक दूसरे के जैसे कपड़े पहनते हो, एक दूसरे के साथ 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 रहते हो, हर चीज में साथ साथ, ऐसा नॉर्मल नहीं होता। और ये चीजों को नॉर्मलाइज करना जो है ना वो सही नहीं है, बिकॉज आप जो है ना ये बिला वजह का, ये एक हस्बैंड है उसकी बिला वजह दो वाइफ्स है और वो दोनों वाइफ साथ में रहती है। आप नॉर्मली अगर देखो तो कोई भी औरत जिसको अगर लेट से अगर किसी से उसका अगर बॉयफ्रेंड भी है तो भी उसको शेयर नहीं कर सकती, तो यहाँ पे तो आप हस्बैंड की बात कर रहे हो। और पायल मलिक का ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है, पायल और कृतिका और अरमान का, कि इनका सोचा समझा एक स्क्रिप्ट है जिसको इन्होंने यहाँ पे लेकर चलना है। मैं ईगरली वेट कर रही हूँ मेकर्स का कि वो कब इनके इस सोचे समझे स्क्रिप्ट को तोड़ेंगे और सच्चाई सामने लेकर आएंगे, बिकॉज देर इज समथिंग जो ये छुपा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।